और दिस इज़ हमारे सन और हम स्क्रीन पर राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं व्यूअर्स, और धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्रिप करने की पोजीशन में आते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की उस पोजीशन पे हैं कि जहाँ पे आप जस्ट गो एंड स्टार्ट राइटिंग वाला सिलसिला भी नहीं है, लेकिन हम उस तक पहुँच रहे हैं। तो चूँकि इन क्लासेस का जो मकसद है या इन क्लासेस का जो एम है वो यहाँ पर कोई स्क्रीन प्ले राइटिंग की टिप्स देना नहीं है। एक वीडियो बनाई, आपको टिप्स बता दिए, आप उन टिप्स पर काम करते रहें। तो व्यूअर्स इन क्लासेस के जो एम है या मकसद है वो ये नहीं है कि हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की टिप्स दें। जैसे कि मोस्टली यूट्यूब पे आपको मिलता है, वो आपको टिप्स बता देते हैं जी, वो टिप्स देने से आप बहुत बड़े राइटर बन जाएंगे। वो टिप्स उन लोगों के लिए होती हैं जो कि ऑलरेडी बड़े अच्छे राइटर हों, बहुत अच्छे राइटर हों, सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा पॉलिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए टिप्स होती हैं। लेकिन जो राइटर्स जो हैं वो उभर रहे हैं, एस्पायरिंग राइटर्स हैं, काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्लासेस। तो फ्रॉम एपिसोड वन और आज तक की जितनी क्लासेस, अब 40 क्लासेस हमारी हो चुकी हुई हैं, तो उनमें अगर हम देखें तो हमने कोई हरी नहीं किया। हमने ये कोशिश की है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमने फॉर्मेटिंग से स्टार्ट लिया और व्यूअर्स हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते स्टोरी डेवलपमेंट पे पहुँचे हैं। और स्टोरी डेवलपमेंट अभी हमारे ग्रुप में, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसमें किसी ने क्वेश्चन किया कि जो स्टोरी डेवलपमेंट है वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है किसी राइटर का, और वो अपनी इंट्यूशन से ये काम कर लेता है, तो इसमें हमें किसी वीडियो या बुक की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। बुक की ज़रूरत नहीं है या वीडियो की ज़रूरत नहीं है, शायद ये मैं नहीं कहना चाह रहा, हो सकता ना ज़रूरत हो, लेकिन हमें वो चीज़ों की ज़रूरत है कि जिससे हमें पता लगे कि हम अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर में जो हमारा आइडिया बैठा है उसको पेपर पे कैसे लेकर आना है, उसको डेवलप कैसे करना है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। ये इसी तरह है कि जैसे हम स्ट्रक्चर सीखने के लिए फटाफट एक्ट्स की बुक्स पकड़ लेते हैं कि यार एक्ट सीखें, एक्ट्स कैसे होता है, जबकि वो स्टोरी डेवलपमेंट नहीं होती। एक्ट्स जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो क्रिएटिव राइटिंग का प्रोसेस है, और उसको हम बाद में देखेंगे, और उसमें भी हम क्लीशे जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है उससे हट के हम 6 एक्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और उसमें भी मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको स्टोरी डेवलपमेंट सिखाऊँ, ना कि सिर्फ स्ट्रक्चर सिखाऊँ। तो हम इस मकसद के लिए ये चैनल है कि हम स्टोरी डेवलपमेंट सीखें। स्क्रिप्ट लिखना, जस्ट जब आप एक स्टोरी डेवलप कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाती है कि मेरे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, तो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। क्योंकि व्यूअर्स ये देखें, ये जो क्लासेज हैं इसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं हम हरी अप हों और नतीजे पे पहुँचे, रिजल्ट पे पहुँचे, और हम स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दें। एंडली मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अगर मेरे देखने वाले जो हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखें, समझें। और कोई बात नहीं, इसमें 6 महीने साल लग जाए किसी शख्स को राइटर बनने में, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि वो हरी अप करे और लिखे और फिर वो स्टोरी के समंदर में गुम हो जाए और फिर वो कहीं 15वें 16वें सीन पे फंसा पड़ा हो। तो इन चीज़ों को हमने देखना है। दूसरी बात ये है व्यूअर्स कि आज दोबारा मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको मुझे बताना ज़रूरी था। तो व्यूअर्स, हम करेक्टर के इनर जर्नी को अभी हम पढ़ रहे हैं, और ये अभी 1-2-3 लेक्चर्स में चलेगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने नेक्स्ट जो अपने लेक्चर्स हैं उनको किस तरफ लेकर जाना है। आज हम विलन का जर्नी पढ़ेंगे कि अगर हीरो का एक इंटरनल जर्नी है या उसका एक आर्क है, तो विलन का आर्क क्यों नहीं होता। वो भी एक करैक्टर हमारी फिल्म में, और बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर होता है, क्योंकि वो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो मेन एंटागोनिस्ट होता है हीरो का, तो उसका आर्क क्यों नहीं पढ़ाया जाता, या क्यों उसके बारे में हमें नहीं ज़्यादा जानकारी होती, या ज़्यादा हमें पता नहीं होता उस बारे में। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पर आप ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें और हम देखें कि स्टोरी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो व्यूअर्स, करेक्टर आर्क की हमने
दो तीन चीज़ें बताई थी कि एक वाउंडिंग इवेंट आया, उसके रिजल्ट में एक फियर पैदा हुआ करेक्टर में, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इरेशनल होता है, यानी वो रियल नहीं होता, ठीक है, वो फॉल्स होता है। वो जो फियर अब उस करेक्टर में आ, वो क्या करेगा कि वो करेक्टर में एक इमोशनल शील्ड को बना लेगा। ये तीन स्टेप हो गए, यानी कि वाउंड आया, वूंड के बाद फियर डेवलप हुए, फियर डेवलप जब हो गया, वो इतना डर गया तो उसने एक अपने ऊपर एक शील्ड बना ली, ठीक है, जिसको हम इमोशनल शील्ड कहते हैं, और वो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। जिसकी वजह से वो जब आप इमोशनल शील्ड बना लेते हैं तो हमारी कुछ अनमेट नीड्स पैदा हो जाती हैं, और व्यूअर्स नीड्स जो पांच मेन नीड्स थी वो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ ली हैं, तो उनमें से कोई एक, दो या तीन या चार या पांच, जितनी भी वो अनमेट, तो वो जो नीड्स हैं वो उसकी अनमेट रहती हैं, यानी कि उनको वो हासिल नहीं कर पाता, और इस तरीके से उसका इनर जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो ये हमारा करैक्टर आर्क था। मैंने तीन चार स्टेप में आपको क्लियर बहुत ईजी बता दिया, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ, करैक्टर आर्क है, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बता दिया। वूंड के बाद फियर, फियर के बाद वो इमोशनल शील्ड बना लेगा, और उसकी कुछ अनमेट नीड्स होंगी जो कि फुलफिल नहीं होगी, और इस सिलसिले में उन अनमेट नीड्स को वो पूरा करने के लिए अपने जर्नी को जारी रखेगा, और उसको हासिल करने के लिए, जो कि अनमेट नीड आपकी इंटरनल चीज़ है, उसको हासिल करने के लिए बेसिकली वो वर्ल्ड में फिजिकल चीज़ को हासिल करना चाहेगा। तो ये हमने एक फिगर जो पिछले लेक्चर में बनाई थी उससे भी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया था। तो व्यूअर्स, ये तो था किसी भी करैक्टर का करैक्टर आर्क, लेकिन क्या इस करैक्टर आर्क में हम विलन को डाल सकते हैं? यही हमारे आज का लेक्चर है। तो व्यूअर्स, हमने यही पढ़ा था कि जब करैक्टर आर्क उसका जर्नी चल रहा होता है और वो एक टिपिंग पॉइंट पर पहुँचता है जहाँ पर वो कहता है नो मोर, हमने ये देखा है, यानी कि वो उस लाई को, उस फियर को एम्ब्रेस करके बैठा रहता है, और फिर वो एक पोजीशन आती है कि जब वो समझता है कि दैट फियर इज़ बेसिकली डिस्टर्ब हिज लाइफ, और उसके साथ साथ जो उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं वो भी उससे हर्ट हो रहे हैं, तो वो टिपिंग पॉइंट होता है, और उसके बाद फिर वो वापस जाता है, यानी वापस जाने से मरा दिया है। हमने कहा था कि वो कुछ कोपिंग टेक्निक्स बना लेता है कि जिसके बाद फिर वो वापस आहिस्ता आहिस्ता उस पोजीशन पर आता है जहाँ पर वो समझ जाता है कि ये जो फियर है ये इसका एक लाई है, झूठ है। लेकिन जो हमारा विलन है वो उस टिपिंग पॉइंट तक ही शायद नहीं पहुंच पाता। वो क्यों? उसके हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जैसे किसी, हम अपने हीरो का या जो करैक्टर्स हमारे मेन करैक्टर्स होते हैं, हम उनकी बैक स्टोरीज पर बड़ा काम करते हैं, और हमें पता होता है कि उनका वूंड कहाँ से आ रहा है, जो कि यूजली मैंने आपको बताया था कि उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ट्रॉमा होता है। ये केस अगर हम विलन में भी रखें तो उनकी बैक स्टोरीज को जाँचें तो हमारे बड़े ग्रेट विलन बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैनिबल लेक्टर का जो साइलेंस ऑफ लैम में करेक्टर था वो क्यों इतना फैसिनेटिंग था, क्यों उससे एम्पथाइज हो रहे थे, हालांकि वो कितना ईवल था, बिकॉज वी नो अबाउट हिज पास्ट। जब हम उसके वूंड को समझ पाते हैं तो फिर हम उसके बारे में भी जर्नी को बना सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, हम मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में देखेंगे, नॉवल में देखेंगे कि क्या होता है कि हमारा करेक्टर जहाँ से स्टार्ट कर रहा होता है जर्नी, वो एंड भी उधर ही कर रहा होता है ऑलमोस्ट। तो इसकी वजह से हमारे जो व्यूअर्स होते हैं या हमारे जो रीडर्स होते हैं, अगर वो नावल में उस चीज़ को देख रहे हैं, वो उसको, तो वो क्या कर पाते हैं कि वो सिर्फ उसको ईवल ही समझते हैं कि ये ईवल है, दैट्स ऑल, जो कि अब तकरीबन एक्सेप्टेड हो चुका है। लेकिन अगर हम उसकी बैक स्टोरीज को एनलाइटन करें तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन मिल सकता है। समटाइम्स जो होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम उसकी बैक स्टोरी को जिक्र भी करें, लेकिन हमें एज अ राइटर उसकी बैक स्टोरी का पता होना चाहिए। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम उसका इवेंट लिखेंगे, इवेंट में हम कहीं कहीं हिंट दे सकेंगे कि जिससे हमारी स्टोरी बड़ी स्ट्रांग हो। लिहाजा अगर आप एक हीरो है तो उसका उतना ही स्ट्रांग हमारा एंटैगनिस्ट भी होना चाहिए, तो वो तभी मुमकिन हो सकेगा। सिर्फ जुमले ऊँचे या चीखें मार के या शाउटिंग करके आप कोई अच्छा विलन नहीं बना सकते, ठीक है। इंडियन फिल्म्स में, पाकिस्तानी फिल्म्स में ज़्यादातर विलन का मसला ये होता है, वी डोंट नो अबाउट दैट पास्ट, कि वो आज जो विलन है वो क्यों है, क्या उसका कोई पास्ट नहीं है? अगर उसका कोई पास्ट है तो क्या हम उस पास्ट को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हमें कहाँ पे हिंट उसकी मिल रही है फिल्म में, सीन्स में? तो इन चीज़ों को देखना आप एज अ राइटर के तौर पर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्यूअर्स, अब हमने देखना है कि वो जो टिपिंग पॉइंट तक विलन नहीं पहुंच सकता या वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़
हो सकती है। तो व्यूअर्स पॉसिबिलिटी वन ये हो सकती है कि उसको, यानी उसने अपने वूंड्स को, अपने फियर्स को फेस करने के लिए अटेम्प्ट तो की और उसमें वो अनसक्सेसफुल रहा। और व्यूअर्स सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो ये सोचता है अपनी अनमेट नीड्स को अनमेट ही रहकर वो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकता है, बजाय इसके कि वो जो उसका पास्ट ट्रामा है उसकी पेन को वो दोबारा एक्सपीरियंस करें। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो उस अनमेट नीड को अनमेट ही रहने देना चाहता है, चूँकि अब वो दोबारा उस पेन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। हीरो के केस में वो रेडी है, मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था, ही इज़ रेडी टू गेट दैट पेन अगेन। यही हीरो और विलन में फ़र्क आ जाता है। तो इसी की वजह से व्यूअर जब वो अनमेट नीड्स को सोचता है कि वो अनमेट ही रहें, वो उसकी मीट ना हो पाए, वो अनफुलफिल्ड ही रहें, तो फिर व्यूअर्स वो अपने अनमेट नीड्स की वजह से जो इमोशंस आ रहे होंगे उसको वो फील नहीं करेगा, बल्कि उनको रिजेक्ट कर देगा। और इस वजह से अपने लिए भी वो कोई फीलिंग नहीं कर पाएगा और किसी और के लिए भी कोई फीलिंग नहीं रख पाएगा। और यही वजह है कि फिर वो रिवेंज पे जाएगा। विलन इसीलिए रिवेंज में जाएगा कि अब उसके लिए कोई इमोशंस नहीं है, उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो व्यूअर्स थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस विलन का जो डिसफंक्शनल बिहेवियर है वो इतना पर्सनली सेटिस्फाइंग है और इस हद तक वो सेटिस्फाइंग है, वो इस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहता। गोया वो बेस लेवल पर उसको बहुत इन्जॉय कर रहा है, यानी कि उसके सामने चीज़ें तो आ रही हैं, ठीक है, और वो उनको एंजॉय कर रहा है, जो कि एंजॉय करने वाली नहीं है, लेकिन वो उसको एंजॉय कर रहा है। वो क्यों एंजॉय कर रहा है? क्योंकि ये वो ऐसा करैक्टर है जो डिनाइल में है, जो मेंटली इम्बेलेंस्ड है, और वो ये सारी चीज़ें उसके लिए मोटिवेटर्स का काम कर रही होती हैं। ये इन मोटिवेटर्स को अपनी लाइफ लॉन्ग किसी अच्छाई के लिए इनको सेक्रीफाइस कर दे, वो ये नहीं करता। तो यही हीरो और विलन के में फ़र्क होता है। ये तो होगी उसकी तीन पॉसिबिलिटीज़। विलन के जर्नी में एक चीज़ जो हम और इम्पोर्टेंटली देख सकते हैं, वो है सेल्फ ब्लेम। हमने देखा था हीरो के जर्नी में भी, हम ये देख रहे थे कि करेक्टर सेल्फ ब्लेम में चला जाता है। अहमद की जब वो वाइफ वाली स्टोरी जो हमने कही थी कि वो उसको छोड़ के चली जाती है, तो वो सेल्फ ब्लेम में था, ठीक है ना, मैं ही शादी वाला मटेरियल नहीं हूँ। तो वो जो सेल्फ ब्लेम है वो मोस्ट ऑफ द वाउंडिंग इवेंट के रिजल्ट में आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि करेक्टर की कोई फॉल्ट हो क्योंकि जिसकी वजह से वो सेल्फ ब्लेम में आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। हमने उसके केस में, अहमद के केस में देखा है कि वो मतलब उसकी वाइफ ही किसी और में इंटरेस्टेड थी, वो खुद ही ऐसी सेल्फ ब्लेम में चला गया था, लिहाजा वो इनिशियली वॉज नॉट ऑन एट द फॉल्ट, तो वो उसका कसूर नहीं था, लेकिन उसको वो एक्सपीरियंस करना पड़ा, वो सेल्फ ब्लेम में चला गया। तो व्यूअर ये जो हमने कहा था जो प्रोसेस है कि आप सेल्फ ब्लेम के राउंड होकर, यानी कि उसको आप कैसे बचा के या उससे आप कैसे उससे गुजर सकते हैं, यही हमारा जर्नी था, यानी कि हाउ वी विल गोइंग टू वर्क थ्रू दैट सेल्फ ब्लेम, और यही हमारा जर्नी था। तो व्यूअर यही वो सांचा है, यही वो क्रूसिपल है कि जो बहुत सारे हीरोज़ को इवन विलन बना देता है। तो क्या होता है कि सेल्फ ब्लेमिंग में उसको वो गिल्ट महसूस नहीं हो रहा होता ये सेल्फ ब्लेमिंग में, बल्कि वो उसको आउटवर्ड कर देता है, यानी कि वो दूसरों को ब्लेमिंग करना शुरू कर देता है कि इसकी वजह से यूँ है, ये गलत है, इसने मुझे इस जगह पे फंसाया। तो ये सेल्फ ब्लेमिंग का ही पार्ट होता है कि वो बेसिकली ब्लेम अब दूसरों को करना शुरू हो जाए। और इसी में हम देखते हैं कि जब आप इसको एक बड़े कैनवस पे ले जाते हैं, हॉलीवुड की फिल्म में, इवन बॉलीवुड की फिल्म में, हम इंडिविजुअल से निकल के हम ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल में चले जाते हैं, हम पूरी दुनिया के सिस्टम को या उस मुल्क के सिस्टम को ही कसूरवार ठहराना शुरू करते हैं। तो ये सेल्फ ब्लेमिंग बेसिकली सिर्फ उनकी ज़ात तक नहीं रहती बल्कि आउटवर्ड हो जाती है। तो उनका ब्लेम बेसिकली है क्या? उनका ब्लेम ये है कि अब वो उस शख्स तक पहुंचना चाहते हैं जिसकी वजह से वो समझती हैं सब कुछ हो रहा है, तो ये उनका गोल बन जाता है। तो व्यूअर्स जो विलन होते हैं वो फॉरगिव नहीं करते और वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, ब्लेमिंग जो उनकी है वो गलत है, ये वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, और यही लाई उनके साथ चिपका रहता है। और फिर वो डीपर अपनी सेल्फ लोथिंग, यानी खुद से भी वो जो है नफरत करते हैं, दूसरों से दुख करती करते हैं, और सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, डार्कनेस में चले जाते हैं, ठीक है, अंधेरे में चले जाते हैं, यानी अंधेरे में इसलिए चले गए कि अब वो जो चीज़ वो सोच चुके हैं उससे वो बाहर नहीं आना चाह रहे, लिहाजा वो डार्कनेस में है, वो बेसिकली उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि ये सेल्फ ब्लेमिंग जो है ये गलत है,
वो एट द वेरी फर्स्ट स्टेप ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर गोया उनके जो मॉरल्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट क्या होते हैं कि वो अकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं अपना जो उन्होंने व्यू बना लिया तो उसको अकोमोडेट करना शुरू होते हैं, और उनकी जो मोटिवेशन होती है वो अपनी अनफुलफिल नीड को पूरा ही नहीं करना चाहते। तो व्यूअर्स, करेक्टर के जो स्टेप्स होते हैं गोल हासिल करने के लिए, तो उनसे वो क्या मॉरल कोड उनका उनसे टाइड रहता है, यानी कि जुड़ा रहता है, उसके साथ वो जुटा रहता है। यही डिफरेंस होता है आपके हीरो और विलन के दरमियान। जब उनके मॉरल्स पर कोई हमला हो रहा होता है हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उससे दूर रहता है, इज्तनाब करता है, उसको अवॉइड करता है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट ऑफ दैट रहता है। लेकिन विलन के केस में वो अगर उनके मॉरल पर भी हमला हो रहा हो तो उसको चार्ज करेगा, उसकी तरफ जाएगा। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है हीरो और विलन के मॉरल कोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फिर एक डिफरेंस हीरो और विलन के दरमियान ये बोलता है कि जब हम स्टोरी में या फिल्म में या नावल में उनका जब आर्क दिखा रहे होते हैं, वो यूजली प्ले ही नहीं होता, यानी दिखा ही नहीं रहे होते, दैट इज़ नॉट प्लेड ड्यूरिंग द फिल्म। तो क्या होता है कि जब फिल्म स्टार्ट होती है तो अगर हम एंटैगनिस्ट को देखेंगे तो शायद हम ये देखेंगे कि वो अनइंटरेस्टेड है अपने पास्ट को एक्सपीरियंस करने में या एग्जामिन करने में, दूसरे लफ्ज़ों में एग्जामिन करने में, यानी उसको समझने में, जांचने में वो अनइंटरेस्टेड नज़र आता है। वो अपने वूंड को या तो इग्नोर कर रहा होता है या डिनाई कर रहा होता है, और कभी भी हमें पूरी फिल्म में नज़र आता कि वो उनकी कोई ऐसी इंटेंशन हो कि वो उसको ठीक करना चाहे या वो उसको फेस करना चाहे। कितनी फिल्में आपने देखी हैं, अमरीश पुरी की थोड़ी फिल्म देखी हैं हमने विलन की पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी हमें समझ में आई वो कौन है? और व्यूअर्स, मैं आपको बहुत यकीन से कह सकता हूँ, लिखने वाले को भी नहीं पता होता। फिल्म बन जाना, देखिए जब कोई चीज़ बन के सामने आ जाती है वो थोड़ी सी आपको डिफरेंट महसूस होती है, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ऐसे राइटर्स जिन्होंने इन विलन्स को, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में कह रहा हूँ, सबको तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा, विलन का नहीं पता होता, ठीक है ना। और हम भी, हमें कितना पता होता है, देखे ना, राइटर को नहीं पता, और एज अ व्यूअर भी हम देखते हैं हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। हमें पता होता है कि एक ईवल है बस, इसने जो काम करना गलत करना, इसने धोखा देना, इसने फ्रॉड करना, इसने हीरो को मारना है, इसने उसकी प्रेमिका को उठाना है, उसके लवर को मारना है, इसी तरीके से हम बस उसको देखते हैं। तो हमें कभी नहीं पता होता उन विलन्स का वो कौन है। भाई विलन जो है क्या उसका कोई मतलब, वाई अ विलन इज़ अ विलन राइट नाउ, हम एज अ व्यूअर भी कभी कोशिश नहीं करेंगे उसे सोचने में, तो इम्पॉर्टेंट बात है ना। तो ये मैं आपको नया एंगल बता रहा हूँ कि यू मस्ट भी, आपने फिल्म में नहीं भी दिखाना उसके पास को, डजेंट मैटर, बट यू मस्ट एज अ राइटर नो व्हाट हिज पास्ट इज एंड व्हाई ही इज़ अ विलन नाउ एट दिस स्टेज, यू एज अ राइटर मस्ट नो इट। अच्छा, उसमें कुछ आपको विलन्स ऐसे भी मिलेंगे जो अपने पास्ट को एम्ब्रेस कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ मसला क्या होता है, वो ये समझते हैं कि इस पास्ट एक्सपीरियंस ने उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, बजाय इसके कि वो जब उनको वूंड वो मिला था तो वो एक बड़े वीकर थे। तो योर ये बात है कि जब मैं ये कहता हूँ कि गुंडे फिल्म में मैं उसको टेक्निकली काफ़ी अच्छी फिल्म समझता हूँ, इस वजह से कि अगर आप देखें कि वो जो दो दोस्त हैं, यानी कि बचपन से उसको दिखा रहे हैं, तो वो देखें वो बेसिकली एक दूसरे के विलन भी बने हैं बाद में, क्यों और वो क्यों इतनी स्ट्रांग बने हैं कि हम जानते हैं दोनों के पास्ट को, हमें पता है दोनों की वूंडिंग एक्सपीरियंस क्या है। अगरचे के वो स्टोरी फिर थोड़ी सी चेंज होती थी कि वो जो मुझे याद पड़ता है कि उनका जो लवर थी उनके वो प्ले करती है दोनों तरफ, और वो शायद पुलिस की या इंटेलिजेंस की लड़की होती है, तो वो थोड़ी सी उसका चेंज हुई, लेकिन उसने को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला। हम उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म को देख रहे थे, और वाई दे वर अगेंस्ट ईच अदर, इतने स्ट्रांग वो अगेंस्ट ईच अदर क्यों थे, हम दोनों को बराबर क्यों समझ रहे थे, और करें अगर उस फिल्म में हम दोनों को स्ट्रांगर क्यों समझ रहे थे, कि इसलिए कि हम उन दोनों के पास्ट को जानते थे, और उन दोनों के पास्ट को जानने की वजह से हमें पता था कि इक्वली उनका पास्ट जो है वो वूंडेड है, और शायद एक ही तरह से वूंडेड है। वो दोस्त थे या भाई, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन दोनों सूरतों में, मेरे गालबन शायद भाई थे, तो दोनों सूरतों में पता है कि उनका पास्ट क्या था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी फिल्म थी। और कुछ केसेस में विलन जो हैं एक पॉइंट पे पहुँचते हैं कि वो एक पोजीशन पे पहुँचते हैं कि जहाँ पर वो अपने वूंड्स को ओवरकम कर सकता है, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, और वो
फिर जब फेल होते हैं तो वो फिर इंटरेस्टेड ही नहीं रहते कि अपनी पेन को एक्सपीरियंस करके वो एक अच्छा उसको ओवरकम करके वो एक अच्छा अच्छे इंसान बन सके, बल्कि वो उसी वूंड एज अ वूंडेड पर्सन वो आगे चलते जाते हैं। और यही वजह है कि वो फिर हर चीज़ को उसी नज़र से देखते हैं, यानी कि वो अब एक हाईली अनसेटिस्फाइड इंडिविजुअल तो है लेकिन वो अपने गोल को फिर भी परस्यू करते रहते हैं और इस ख्याल में होते हैं कि वो जो गोल है उनको परस्यूइंग करना है वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, जबकि ये गलत होता है। और फिर हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं रिपेंटेशन, यानी रिपेंट करते हैं, रिडेम्पशन होती है उनकी। ऐसी फिल्म्स जिसमें हम देखते हैं कि कोई मतलब फिल्म के थीम ही ऐसा है कि उसने एक चीज़ को अपने वूंड को समझ के उस पर मतलब उसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाना है, रिडेम्पशन यानी कि। तो उस केस में उन फिल्म्स में आप देखेंगे कि बेसिकली विलन का स्टोरी आर्क भी स्टोरी में आ रहा होगा, यानी कि जहाँ पर आपको प्रोटैगनिस्ट या हीरो जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा वहाँ पर आपके जो विलन होगा उसके पास भी ऐसे लम्हे आएंगे कि जब वो अपनी ट्रेजेक्ट्री को अपने आर्क को जांच सकेगा, उसकी पड़ताल कर सकेगा, वो जगह आएगी और वो आप दिखा सकते हैं। अगर वो उस बात को समझ जाएगा वो एंटागनिस्ट, तो गोया वो अपने आर्क पे वापस आ जाएगा। इसको कहते हैं रिटर्निंग टू हिज आर्क। तो व्यूअर इसका मतलब है कि अब वो इमोशंस आएंगे विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अब वो डीप इमोशंस और वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा और फिर उसका दिल जो है वो चेंज हो जाएगा। विलन ये देख पाएगा कि वो अपने फ्यूचर को इस तरह देख पाएगा कि उसकी जो अनफुलफिल नीड्स हैं वो रिडेम्पशन की तरफ चली जाएंगी, यानी कि वो हासिल कर जा पाएगा। शायद फिल्म के दौरान तो ना, शायद फिल्म के दौरान तो आप ना दिखा पाए, लेकिन व्यू समझ आएंगे कि नो इन हिज लाइफ इवन द फिल्म एंड्स ही विल गोइंग टू गेट इज रिडेम्पशन। ठीक है ना, वो अपनी कोताहियों को अपनी गलतियों को माफ़ कर पाएगा या वो समझ पाएगा कि वो उससे बाहर आ गया है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि फिर विलन अगर आपने इतना स्ट्रॉन्ग विलन बनाया तो समटाइम्स वो कुछ चीज़ों को जांचेगा, अगर वो समझेगा कि अपनी पर्सनल जो सेटिस्फैक्शन है उसकी बजाय कुछ कॉजेज़ बहुत बड़ी हैं। यानी कि एक बच्चे को मैंने उसकी माँ की तरफ लुटाना है जिसके साथ मैंने अबडक्शन किया, उसको अगवा कर लिया, मैंने उसको वापस करना है। तो वो हालांकि उसकी वहाँ पर कोई पर्सन, शायद उसने तावान मांगा हो, उसने यानी कि उसका रैंसम मांगा हो, उसकी वो फिर पर्सनल नीड जो होगी वो उसको वो सेक्रीफाइस करेगा और एक बड़े कास की तरफ चला जाएगा। लेकिन व्यूअर्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सीन पहले तो वो उसको उसके गर्दन पे बच्चे की गर्दन पे छुरी लगाने वाला और अगले सीन में वो कहता नहीं मैंने बच्चे को वापस करना है। प्लीज़, यही मैं कह रहा हूँ कि आपने आर्क उसका फिर बनाना है। यू हैव टू पुट 2-3 सीन्स के जिसमें हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज ऑफ द हार्ट दिखाएं। ये इज़ अ राइट ट्रैक का काम है। तो इसका मतलब है कि फिर रोशनी की तरफ चला जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पोजीशन पे भी वो अपने डीमंस को, अपने अंदर जो शैतान है उसको डिफीट ना कर पाए। तो व्यूअर्स याद रखेंगे विलन भी अपने पास्ट का प्रोडक्ट ही है, और इसमें कुछ चीज़ें चले हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली भी शायद आई हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो विलन इसलिए विलन है कि उन्होंने जो अपने पास्ट ड्रामास किए हैं, जो वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस से एक्सपोज हुए हैं, वो उसका प्रोडक्ट बन गए। तो एज अ राइटर हमें पता होना चाहिए कि हमने उन विलन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ए विलन, एक विलन हो ठीक है, चल रहा है, चलता है, लेकिन जब आपको उनके पास्ट का पता होगा, चाहे आपने उसको फिल्म में उसकी पास्ट मेमोरीज को नहीं भी दिखाया, आप उसके जो इवेंट्स दिखा रहे होंगे उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और समझने वाले उस बात को समझ जाएंगे। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर्स के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम करैक्टर के वूंड्स जितने भी होते हैं उनमें हम उनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग कैसे कर सकते हैं। वूंड्स का हमने पढ़ा तो है, उसकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।